चुनावी हार सामने देख भाजपा की कमान संभालते स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेकर प्रचार को गति देने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये सही है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि भाजपा को हर चुनाव जिताने में भी उनकी भूमिका अहम रहती है। लेकिन शिमला नगर निगम चुनाव में उनके नाम का सहारा भी भाजपा के काम नहीं आया। चुनाव अभियान के अंतिम चरण में भाजपा के निगम के कामकाज पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पोस्टर लगाकर वोट मांगे, लेकिन मतदाता प्रभावित नहीं हुए। इसके विपरीत कांग्रेस ने पूरे प्रचार की कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्थानीय विधायक हरी जनार्थन ने बखूबी संभाली। कांग्रेस नेता हर जनसभा में भाजपा नेताओं पर ये कटाक्ष करते नहीं चूके कि सत्ता के लालच में उन्होंने प्रधानमंत्री का कद कम कर उन्हें नगर निगम स्तर का नेता बना दिया। कांग्रेस ये भी लगातार प्रचार करती रही कि हिमाचल में विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री का जादू फेल हुआ था और प्रदेश सरकार के कामकाज और जनसमस्याओं की अनदेखी ही भाजपा की हार का कारण थी। विधानसभा चुनावों की जीत के कारण उत्साहित कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों के लिए भी एक गारंटी पत्र के रूप में घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 14 वादे किए गए। इनमें सबका सीधा सरोकार शिमला नगर की समस्याओं से जुड़ा है, जैसे शहर में पार्किंग व्यवस्था हो या फिर पेयजल समस्या का हल। भाजपा के घोषणा पत्र में एक निगम एक टैक्स, कचरा प्रबंधन टैक्स में छूट, शौचालयों का निर्माण और 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध करवाने के वायदे थे, लेकिन मतदाताओं को ये वादे लुभा नहीं पाए। नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने 34 वार्डो में से 24 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा अपने पिछले 17 से घटकर केवल 9 पर ही जीत दर्ज कर पाई। इन चुनावी नतीजों से यही सार निकलता है कि भाजपा साधन संपन्न होते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सहयोग के बावजूद भी शिमला नगर निगम पर पुनः काबिज नहीं हो पाई और प्रदेश में पार्टी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि लगातार मेरी तीसरी चुनावी जीत से उत्साहित कांग्रेस नए दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। चुनावी हार सामने देख भाजपा की कमान संभालते स्थानीय नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेकर प्रचार को गति देने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये सही है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि भाजपा को हर चुनाव जिताने में भी उनकी भूमिका अहम रहती है। लेकिन शिमला नगर निगम चुनाव में उनके नाम का सहारा भी भाजपा के काम नहीं आया। चुनाव अभियान के अंतिम चरण में भाजपा के निगम के कामकाज पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पोस्टर लगाकर वोट मांगे, लेकिन मतदाता प्रभावित नहीं हुए। इसके विपरीत कांग्रेस ने पूरे प्रचार की कमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्थानीय विधायक हरी जनार्थन ने बखूबी संभाली। कांग्रेस नेता हर जनसभा में भाजपा नेताओं पर ये कटाक्ष करते नहीं चूके कि सत्ता के लालच में उन्होंने प्रधानमंत्री का कद कम कर उन्हें नगर निगम स्तर का नेता बना दिया। कांग्रेस ये भी लगातार प्रचार करती रही कि हिमाचल में विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री का जादू फेल हुआ था और प्रदेश सरकार के कामकाज और जनसमस्याओं की अनदेखी ही भाजपा की हार का कारण थी। विधानसभा चुनावों की जीत के कारण उत्साहित कांग्रेस ने नगर निगम चुनावों के लिए भी एक गारंटी पत्र के रूप में घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 14 वादे किए गए। इनमें सबका सीधा सरोकार शिमला नगर की समस्याओं से जुड़ा है, जैसे शहर में पार्किंग व्यवस्था हो या फिर पेयजल समस्या का हल। भाजपा के घोषणा पत्र में एक निगम एक टैक्स, कचरा प्रबंधन टैक्स में छूट, शौचालयों का निर्माण और 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध करवाने के वायदे थे, लेकिन मतदाताओं को ये वादे लुभा नहीं पाए। नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने 34 वार्डो में से 24 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा अपने पिछले 17 से घटकर केवल 9 पर ही जीत दर्ज कर पाई।
इन चुनावी नतीजों से यही सार निकलता है कि भाजपा साधन संपन्न होते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सहयोग के बावजूद भी शिमला नगर निगम पर पुनः काबिज नहीं हो पाई और प्रदेश में पार्टी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि लगातार मेरी तीसरी चुनावी जीत से उत्साहित कांग्रेस नए दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।